दोस्तों कुछ समय पहले ही WWE ने ड्रैगन ली को साइन कर लिया है और ड्रैगन ली ने खुद इसका अनाउंसमेंट भी किया था। पर मुझे एक बात का बुरा यह लगा दोस्तों कि उनके भाई ड्रे लिस्टिको को साइन नहीं किया WWE वालों ने, जबकि ड्रैगन ली बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें भी साइन किया जाए। बीते वेडनेसडे नाइट को AAA वर्ल्ड टैग टीम टाइटल के लिए मैच हुआ था, जहां पर ड्रैगन ली ने अपने भाई ड्रे लिस्टिको के साथ मैच जीत लिया था और तभी यह अनाउंस किया था कि वह WWE जाएंगे नए साल में। लेकिन एक चीज मेरी यह समझ में नहीं आई कि इनके भाई ड्रे लिस्टिको को साइन क्यों नहीं किया गया। मुझे ड्रे लिस्टिको तलवार वाले सिन कारा टाइप के लगते थे दोस्तों, अगर यह WWE में आ जाते तो मजा ही आ जाता। खैर हम जानेंगे ड्रैगन ली से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप हिले जाएंगे दोस्तों। ड्रैगन ली के दो भाई हैं, एक हैं ड्रे लिस्टिको और दूसरे हैं रस। बहुत सारे प्रमोशंस में इन्होंने ड्रे लिस्टिको के साथ कई बेल्ट्स भी जीते थे। वहीं इनके भाई जो रस हैं दोस्तों वह मास्क नहीं लगाते। वहीं इनके पापा लूचा लिब्रे में बहुत बड़ा नाम थे, उन्हें एक लेजेंड माना जाता था दोस्तों, जिनका नाम था ला बिस्टिया डेल रिंग। वहीं इनका भाई रस फॉर्मर ROH वर्ल्ड चैंपियन था दोस्तों, वह अभी ऑल एलिट रेसलिंग में है। इसके अलावा ड्रे लिस्टिको अभी AAA में ही हैं। ड्रैगन ली ROH में चैंपियन रह चुके हैं दोस्तों। ड्रैगन ली ने दो बार ROH वर्ल्ड टैग टीम टाइटल पर कब्जा किया हुआ था। वहीं इन्होंने ROH वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप भी दो बार जीता। इनके परिवार में रस ही एकमात्र ऐसा रेसलर है दोस्तों जिसने ROH का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत डाला था। ड्रैगन ली WWE के पूर्व रेसलर एंड्राडे के रिश्तेदार लगते हैं दोस्तों। कुछ न कुछ फैमिली बॉन्ड इनके बीच है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वह क्या है यह कोई नहीं जानता। ड्रैगन ली WWE में तो साइन हो गए हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें सबसे पहले NXT भेजा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। NXT में ड्रैगन ली बहुत सारी चीजों में अगर सुधार करते हैं तो जरूर वह बहुत बड़े रेसलर बनेंगे और इसमें कोई शक नहीं कि वह भविष्य में रे मिस्टीरियो जैसे बन सकते हैं। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि WWE वालों को उनके भाई ड्रे लिस्टिको को भी जरूर बुलाना चाहिए दोस्तों। आप सभी लोगों को ड्रैगन ली कैसे लगे दोस्तों, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।